माँ गैस का गोला एक ऐसा गोला है जो लोगों को इतना तंग करता है कि कभी वो गोला दिमाग पे चढ़ जाता है कभी वो मैदे में घूमे जा रहे हैं कभी वो आंतों में जा रहे हैं कभी वो फेफड़ों में जा रहे हैं वो गोला है, ऐसा गोला है जिसको सुकून नहीं गैस के गोले की हकीकत क्या है वो है क्या चीज़ ये Uh, पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैस का गोला हमें लग रहा होता है ना हमारे दिमाग को जा रहा है वो इधर जा रहा है हाँ। वो उधर जा रहा है इस तरह का कोई सीन नहीं होता ये आपकी इनडाइजेशन के इश्यूज होते हैं है। आपने जो खाना खाया वो आपको प्रॉपरली हजम नहीं हुआ ठीक है तो हाँ। आपको इस तरह की फीलिंग आ रही होती है तो सबसे पहले आप अपनी डाइजेशन को बेहतर करें अपनी फूड को बेहतर करें तो खाना हजम क्यों नहीं होता ये तो बताओ ना पहले जरा उसके बहुत सारे रिजन हैं हम लोग ख्याल नहीं रखते काफी सारी चीजों का कि हमें क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये चीज खाने से होता है ये चीज नहीं खाने से होता फिर हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं हम लोग खाना खाते हैं फौरन लेट जाते हैं या हमने रात को एक बड़ा सा दूध का ग्लास पिया और हम फिर लेट गए तो वो चीज़ें इंडाइजेशन करती हैं तो सबसे पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करें कि हम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हैं और हम खा क्या रहे हैं हम तेल कितना डाल रहे हैं मसाले इतना मसाले लगा लगा कर और फिर मैदे को उड़ा कर फिर हम कहते हैं गैस बन रही है तो वो बेचारी गैस क्यों ना बने और गैस आपको जो तंग कर रही है वो उस वजह से आप घूम घूम के डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर को भी घुमाते हैं गैस के गोले की वजह से जो आपने बताया इनडाइजेशन का इशू होता है तो डाइजेशन हाजमा इंक्रीज करने के लिए क्या कहते हैं कि हाजमा इन चीज़ों से बेहतर किया जा सकता है नागिश कुछ टिप्स हैं अगर उनको हम फॉलो कर लेना तो ये ब्लोटिंग होता है ठीक है उसको हेल्प आउट कर देता है वो ठीक करने में अगर आप मतलब मॉर्निंग में वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अजवाइन में एक हेल्प आउट करता है, हमें को करने में। ठीक है फिर आप जो खाना खा रहे हैं ना कोशिश करें उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से खाएं। ठीक है प्रॉपर चबा कर उसको वक दें बिल्कुल ठीक है और फिर ये है कि जो हम खाना खाते हैं ना यहाँ हम एक ही दफा बैठते हैं और जिसे कहते हैं ना वो टून के खा लेना बिल्कुल वो काम नहीं करना आप छोटे छोटे मील्स बना के रेगुलर इंटरवल पे वो खा लें और आई पर्सनली थिंक इसकी ना एक मैं यूज यूज़ करती हूँ अपनी प्लेट ली डाला पोर्शन बनाकर और उसका उठ गए <laughs> Exactly, हजम भी हो जाता है और थोड़ी देर बाद खा लो आप हाँ, मतलब मील हो जाए, थोड़ा -थोड़ा हो जाए। और कोशिश करें कि आपकी जो सॉल्ट की इनटेक है ना वो आप कम करें वो तो नमक तो हम आपको पता है खाने में अगर एक चम्मच तो दो चम्मच डालते हैं शौक से और उसके अलावा आता है तो उसमें अब उससे ये होता है ना हमारी सोडियम की इनटेक बढ़ती है वो फिर हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करता है

हमारे पास तो टाइम ही नहीं और हमारी इतनी एक्टिविटी थी है हम सुबह से घर खा साफ़ कर रहे हैं काम कर रहे हैं फिज़िकल एक्टिविटी अगर कोई इस बिजी रूटीन में अपने अंदर डाले तो वो कैसे डाले बिजी रूटीन का लोगों के पास हमेशा यही बहाना होता है हमारे पास टाइम नहीं है ठीक हाँ, है आपके पास जिस बॉडी से आपने काम लेना है उसी बॉडी के लिए टाइम नहीं है तो आप बाकी कामों को मतलब किस तरह से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आप अपने पूरी रूटीन में पांच से दस मिनट अपने लिए तो निकाल सकते हैं और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना तो जो आपने काम अपने किए होते हैं ना वो आपको थकाते हैं लेकिन जब आप बॉडी के लिए काम करते हैं ना तो एक हैप्पी हार्मोन होता है एंडोरफिन वो है। आपका मूड एलिवेट करता है वो आपको रिलैक्स करता है तो वो आपने पाँच से दस मिनट हर हाल में अपने लिए निकालने होते हैं और ये निकाले जा सकते हैं चाहे बच्चे हों बड़े हों और आई अगर एक फैमिली है अगर बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप को जो करते देखते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अगर माँ बाप ऐसी गज़ाएँ खा रहे हैं जिसमें बेकरी के आइटम्स तेल घी फैटी uh, फूड्स हैं मिठाइयाँ हैं समोसे पकोड़े, जलेबियाँ हैं तो बच्चे भी उसी रूटीन में आते हैं और अगर बड़े इसी रूटीन को एक्सरसाइज को और हेल्दी डाइट को लेकर आएँ तो बच्चे भी वही फॉलो करते हैं